और जब पीडीपी को जो लगा कि पीएचडी के अंदर उसकी सीटें कम आई हैं, वो हार सकती है, वो हारी है डीडीसी के अंदर, और इसलिए उनमें खींचातानी हो गई। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका नज़रिया अपना बन चुका है, और पीडीपी ने जो बायकॉट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये दोबारा से ये हुर्रियत का दूसरा रूप बन रही है। पीडीपी हुर्रियत गिलानी का दूसरा रूप जो है वो महबूबा मुफ्ती बन रही है, ये कश्मीर को समीना होगा। पार्टी की बढ़ती ताकत से जो घबरा गए और पीएचडी बनाकर इन्होंने डीडीसी के चुनाव लड़े, और डीडीसी के चुनाव लड़ने के बाद ये फिर गुम हो गए कोविड के अंदर, जब कश्मीर के अपनों ने अपनों की जानें खोई। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और इनके पीएचडी के लोग नज़र नहीं आए, और आज फिर वो हमें नज़र आ रहे हैं। इसलिए कश्मीर के लोगों को समझना होगा कि इनके हाथों में हम ना जाएं, हम वो रास्ता चुने जो रास्ता यहाँ के बच्चों का भविष्य हो। आतंकवादियों के मिशन को फेल कर रहे हैं, अलगाववादियों के मिशन को फेल कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट टारगेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं। हमने प्रयास किया कि हमारे कार्यकर्ताओं को जो है सिक्योरिटी जो है वो उनकी